एपिसोड की शुरुआत होती है और रिज़िकी से पूछता है कि आखिरकार बाकी स्टैचूज कहाँ पे है, पर ये कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये नहीं बताने वाला। अगर तुमने एक भी फिंगर मेरी बॉडी के ऊपर रखा तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आखिरकार बाकी स्टैचूज कहाँ पे है। रिज़िकी फिर इसके कॉलर से अपना हाथ हटा लेता और ये कहता है कि तुम फाइनली अब समझ पा रही हो कि आखिरकार तुम किस सिचुएशन में हो। वैसे उन तीनों लड़कों को और तुम दोनों को मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, पता नहीं मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। लवीला इसे पूछते हैं क्या तुम सचमुच ऐसे हो। ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ इंसान हूँ कि मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। बेवकूफ औरत तभी लोग तुम्हें यहाँ पे विच बुलाते हैं। ये इसे कहती है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम तो यहाँ पे वैली को वॉरशिप भी नहीं करते। ये कहता है कि ऑफ कोर्स ये सब मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे काफी सारा पैसा दिया है और बस मुझे अपनी ताकत का यूज करके स्टैचूज को यहाँ पे लगाना है। आखिरकार कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो ऐसे ऑफर को ठुकराएगा। ये स्टूपिड ओल्ड शॉप जहाँ पे मैंने अपना पूरा टाइम बिताया और मैं कुछ भी नहीं कर सका, यहाँ पे सिर्फ मैं अपने पिता और अपने ग्रैंडफादर की वजह से अटका हुआ हूँ और यही मेरा आखिरी चांस है इन सबको खत्म करने का। अब मुझे छोड़ो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। एक बार मैं इस जगह से बाहर निकल गया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिरकार वैलीज के स्टैचूज कहाँ पे है। पर ज़िकी इसे कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तुम यहीं पे मरने वाले हो। ये कहता है कि क्या बिना मेरे तुम वैली स्टैचू को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ये कहता है कि उससे मैं तुम्हारे बगैर ढूंढ लूंगा और वैसे भी तुम्हें उनकी लोकेशन नहीं पता है। ये फिर लवीला से भीख मांगने लग जाता और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, और वैसे भी कार्विंड का फर्ज बनता है कि वो कमजोरों की रक्षा करे। मैंने जो अभी कहा उसमें मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। पर लवीला इसे कहती है कि इसे मार दो और ज़िकी ऐसे ही करता है, ये इसे मार देता है। पर ज़िकी नहीं चाहता कि लवीला इसकी मौत को अपनी आंखों से देखे, इसी वजह से वो इसके हाथ को काट देता और कहता है कि अपनी शक्ल दोबारा मुझे कभी मत दिखाना। ये दोनों फिर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ज़िकी लवीला को कुछ खाने के लिए देता है, वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये कहती है कि हाँ, मैं बस ये सोच रही थी कि आज तक जितने भी मैंने जजमेंट्स पास किए वो सब गलत थी, मैंने आज तक सिर्फ एक ही साइड की दलीलें सुनी और उस पर अपनी जजमेंट पास कर दी है। मेरे हिसाब से जो मेयर की कहानी थी वो भी उसने खुद से बनाई थी। लेडी करना कहती है कि किसी चीज को भी लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ज़िकी से कहता है कि तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है क्या, चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये फिर से माफी मांगते हुए कहती है कि लगता है मुझे अब तुमसे एडवाइस लेनी चाहिए। ये कहते कि मेरे पास कोई भी ओरिजिनल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई सी भी एडवाइस तुम्हें कम्फर्ट करने वाली है, तो खुद से इसे रिजोल्व करने की कोशिश करो। समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं और खुद को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है, उससे तुम्हें कुछ भी अचीव नहीं होगा, बस तुम अपने आप को ब्लेम करके अपने आप को सफर करवाओगी। लवीला इसे कहती कि मैंने जैसे सोचा था तुम मुझसे ज्यादा इमेच्योर हो। ज़िकी से कहता है क्या। ये कहती कि कुछ नहीं। ये फिर इसे पूछती है कि हम दूसरे स्टैचूज को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं क्या। ये कहता है कि हाँ, मुझे एक जगह पता तो है। ये कहती कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी किसी चीज में मदद नहीं कर पा रही हूँ। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभा रही हो। हमें फिर एक घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे सिपाही मारे जा चुके होते हैं और यही पे लेवी और सिखी भी होते हैं। ये लोग यहाँ पे वैली के स्टैचू के लिए आए होते हैं। ज़िकी से कहता है कि इस ब्रश के अंदर अपनी होली ऑरा को डाल दो, और ये ऐसे ही करती है। इसके बाद ये पूरे स्टैचू को पेंट कर देता है और इसे कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया है, अब इसे अपनी ताकत की मदद से सील कर दो, और ये ऐसे ही करती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे हमें वाइस मेयर के यहाँ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हैंस और मिस्टर वेज को, जहाँ वेज यहाँ पे हैंस को उठा के ला रहे होते हैं और वो बीच में उसे पटक देते हैं क्योंकि उन्हें कोई जरूरी काम आ जाता है और यहाँ पे ये काफी अकेला रह जाता है। पर इसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं तो इसे भी यहाँ पे भागना पड़ता है। वहीं पे हमें शहर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ लवीला हमें बताती है कि ये दोनों मिलके काफी दिनों से यहाँ पे स्टैचूज के ऊपर रेड लाइनें खींच रहे हैं, पर इसे अभी भी यकीन नहीं है कि वो जो लकीरें इसने खींची है स्टैचूज के ऊपर वो काम करेंगे कि नहीं। तभी लवीला को एक ज़ॉम्बी दिख जाता है। वो कहती है कि इसे हमने काफी समय बाद देखा। ये कहता है कि हाँ, ये काफी अलग भी लग रहा है दूसरों से, ये काफी धीरे चल रहा है। थैंकफुली जो हम कर रहे हैं वो काम कर रहा है, मेरे हिसाब से जो भी हम चीज कर रहे हैं उस वजह से यहाँ पे ज़ॉम्बीज की मात्रा भी कम हो रही है और इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है मिस लवीला। लवीला कहती कि थैंक गॉड ये काम कर रहा है। ज़िकी फिर से कहता है कि जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है वो काफी समय बाद देख रहा हूँ मैं, जब हम वैली स्टैचूज के ऊपर रूल्स लगा रहे थे तब भी तुम इतनी खुश नहीं हुई थी। ये कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करती, बस इस मेथड के बारे में मैंने कार्विंड के यहाँ पे कभी नहीं सुना। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा पावरफुल है, जिस भी पर्सन ने इसे रून को क्रिएट किया होगा वो काफी जीनियस होगा। ये इसे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है, पर बाय द वे मेरे हिसाब से अब समय आ चुका है मेन स्टैचू को तबाह करने का जो कि मेयर के हाउस में है। ये कहती है कि ये ठीक रहेगा। ये कहता है कि हाँ, वैसे भी हमने शहर के सारे स्टैचूज को तबाह कर दिया है, अब सिर्फ मेन स्टैचू रह गया है जो कि मेयर के घर के यहाँ पे है और वो काफी वीक भी हो चुका होगा। वाइस मेयर भी वहीं पे होगा, वो हमारे इंतजार कर रहा होगा, वो उस जगह को सेंटर ऑफ रिचुअल की तरह यूज करना चाहता है। ये लोग फिर मेयर के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे लवीला इसे बताती है कि मैं वैली
की ताकतवर एनर्जी को महसूस कर सकती हो। तो इज़िकी इसे कहता है कि मिस लेविला प्लीज मेरे पीछे रहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और ये जब गेट को खोलता है अचानक से इनके ऊपर हमला हो जाता है, पर ये इस हमले को किसी तरह डॉज कर देता है। यहाँ पे लेविला फिर से पूछते कि तुम ठीक तो ना, ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लो लेवल अटैक मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर ये काफी अजीब है, आखिरकार मैं इन्हें सेंस क्यों नहीं कर पाया। ये कहती है ये तो शेडो डीमंस है, आखिरकार ये हाई रैंकिंग मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये मॉन्स्टर एक तरह के असैसिनेशन होते हैं। इज़िकी फिर इनके ऊपर हमला कर देता है, पर इसके हमले से बच के ये मॉन्स्टर्स की पीठ पीछे हमला कर देते हैं। पर इससे पहले इसे कुछ भी होता, लेविला इसे आवाज लगा देती है और इज़िकी किसी तरह उसे मार गिराता है। लेविला फिर से पूछती कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा, आखिरकार शैडो डीमन अचानक से यहाँ पे अपीयर कैसे हो सकते हैं। ये कहता है कि मुझे लगता है कि वैलिड के लोगों ने इसे यहाँ पे समन किया है। ये इसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, या हमारे इतना कुछ करने के बावजूद ये रिचुअल कमजोर नहीं हुआ है क्या। ये कहता है कि इसका सिर्फ एक ही आंसर है, मुझे लगता है कि इनके ऊपर हमारा बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, हमारा रिचुअल क्या इनके ऊपर काम नहीं करने वाला। ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा जिसके बाद हम देखते हैं आगे की चीजें। ये फिर यहाँ से निकलने के लिए अपनी तलवार की ताकत का यूज करके खिड़की को तबाह कर देता है और लेविला को लेके यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये लोग फिर बाहर देखते हैं कि जो स्टैचू होता है वो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। तभी यहाँ पे वाइज मेयर आ जाते हैं, जो कि इसे कहते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा सुंदर हो चुकी है। यहाँ भी इसे कहती है कि वाइज मेयर आखिरकार आप ये सब क्यों कर रहे हो। ये इसे बताता है कि उस नाम से मुझे नफरत नहीं है, पर क्या तुम आज से मुझे अपने असली नाम से बुला सकती हो क्या। मेरा असली नाम है ईलो गोरथिम, पर आखिरकार तुम ऐसे चेहरे से मेरी तरफ क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें आसपास का नजारा पसंद नहीं आ रहा क्या। मुझे लगा कि हमारा जो रिचुअल है वो इंटरप्ट हुआ है, और हाँ मुझे माफ करना, जो पेंटिंग तुमने स्टैचू उसके ऊपर बनाई थी वो बिल्कुल भी काम नहीं करी। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। ये कहता है कि दरअसल मैंने तुम्हारी मदद की थी सोल्जर्स को सेट करने में, ताकि मैं तुम्हें यहाँ तक गाइड कर सकूं। ये सब सिर्फ मैंने लेविला को यहाँ तक लाने के लिए किया, तुम्हें यहाँ पे फोर्सफुली लाया नहीं जा सकता, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बिलीव दिलाया कि जो तुम्हारा प्लान है वो सक्सेसफुल हो रहा है और तुम धीरे धीरे यहाँ पे आने लगे, जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम लास्ट स्टैचू को तोड़ने के लिए यहाँ पे जरूर आओगे। और अब कुछ ही देर में ये पूरी सिटी मेरी एक लॉयल आर्मी बन जाएगी, अब लेविला तुम मेरे पास आ जाओ। पर लेविला इसकी एक भी बात नहीं सुनती, तो ये कहता है कि लगता है तुमने मुझे अब कोई चॉइस नहीं छोड़ी है, मुझे लगता है अब तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा। लेविला फिर यहाँ पे इज़िकी का शुक्रिया करती है, ये कहता है कि तुम मुझे किस लिए शुक्रिया कर रही हो। ये कहती है कि अगर अब तक तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं कब के मर जाती, अब तुम भाग सकते हो, मैं इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। इज़िकी कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया की जगह मुझे ब्लेम करना चाहिए कि मैंने तुम्हें एक फ्लैश ऑफ होप दी। तभी यहाँ पे वो आदमी कहता है कि तुम्हें जब कुछ पता ही नहीं है तो तुम्हें ये प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ पता है। ये कहते हैं कि मुझे ऑलरेडी पता है कि वो स्टूपिड सी मैजिक सेल कुछ भी नहीं करने वाली, और साथ ही साथ ये भी कि तुम हमारी मदद कर रहे हो ताकि तुम मिस लेविला तक पहुंच सको। ये कहता है अगर तुम्हें पता था तो तुम यहाँ पे क्यों आए। ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए था इसलिए। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहता है कि मुझे बस उसके लिए थोड़ा समय चाहिए था। लगता है तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि आखिरकार मैं किसे रेफर कर रहा हूँ। ताजिया स्क्लिंग मशीन दी वैली वेज। ये कहता है कि वेज यहाँ पे क्या कर रहा है। मुझे अच्छे से याद है वो विलेज को छोड़ के चला गया था। ये कहता है कि मैंने उसे बोल दिया था कि वो वापिस आ जाए। ये कहता है कि अब चाहे जो हो जाए, वो कमीना मुझे कभी भी नहीं रोक सकता, वो चाहे जो कर ले वो इस रिचुअल को अब नहीं रोक सकता। ये फिर अपनी ताकत की मदद से एक वाटर स्नेक को बुला लेता है। इज़िकी लेविला को यहाँ पे कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मेरे पीछे रहो। पर लेविला अपनी ताकत का यूज करके इसे हील करने लग जाती है। ये कहता है कि तुम क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैं प्रेस्टीज कैंडिडेट हूँ कार्वेट की, तो मुझे भी तुम्हारे साथ फाइट करने दो। ये कहता है कि तुम कितनी ज्यादा डिफेंडेबल हो। तभी वो स्नेक इनके ऊपर हमला कर देता है, और ये देख के वाइस मेयर ने कहते हैं ये कितना सेटिस्फाइंग है, तुम लोग कितनी आसानी से मारे गए। पर ये लोग उस हमले से बच जाते हैं, तो ये इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम इतने खतरनाक हमले से कैसे बच गए। ये कहता है कि हम अगर वाटर का प्रेशर कम कर दे तो किसी भी हमले को हम झेल सकते हैं। और हाँ शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, पर वो आदमी अब आ चुका है, और जैसे ही ये वेज को देखता है ये कहता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें भी ऑफरिंग कर दूं। पर वेज इसके ऊपर हमला करके इसे नीचे गिरा देता है, और उसी के साथ अपनी तलवार से इसकी जो बुक है उसे तबाह कर देता है, जिससे ये रिचुअल रुक सकता है। पर इस आर्टिफैक्ट को तबाह करने के बावजूद ये रिचुअल रुक नहीं रहा होता है। वो आदमी फिर कहता है कि अब गॉड का जजमेंट डे आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये कहता है कि बेवकूफ मत बनो, उस बुक को मैंने तबाह कर दिया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। ये कहता है कि जब तक लाइफ फोर्स अंडरग्राउंड जाते रहेगी जो रिचुअल है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, अब सब कुछ तबाह होने वाला है। पर जल्दी सब कुछ रुक जाता है, ये सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। जिसके बाद इज़िकी से बताता है कि तुम्हें पता है अभी अभी क्या हुआ, जो मैजिक सील मैंने स्टैचूज के ऊपर लगाई थी वो दरअसल असली थी, और वो सचमुच तुम्हारे रिचुअल के साथ इंटरप्ट करता है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है, कितनी जल्दी तुम्हारी सारी उम्मीदें टूट चुकी है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर वे इज़िकी का शुक्रिया कर रहे होते हैं उसे ये नोट भिजवाने के लिए कि लेविला यहाँ पे खतरे में है। ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस
कैलकुलेट किया आपको नोट पहुंचाने वाला तो हैंस था, पर हैंस को भी इसमें काफी मेहनत करनी पड़ी होती है। ये फिर से कहते कि अब मेरे जाने का समय हो चुका है। लुविले से कहते कि तुम यहाँ पे रुक के थोड़ा आराम कर सकते हो। ये कहते कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे अगली डेस्टिनेशन क्या होगी। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे लविलिया यहाँ पे इसे बता रही होती है कि मैंने हैंस से सुना था कि मिस्टर ज़िकी जो है वो ओल्डेस्ट सन है स्टील वॉल फैमिली के। ये कहता है कि स्टील वॉल फैमिली जो कि किंगडम के ग्रेट डिफेंडर्स है स्टील वॉल। ये कहती कि हाँ, वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मजाक कर रहा था ये सीरियस था। ये कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं मिस्टर ज़िकी को रिपोर्ट में मेंशन नहीं करना चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया कि जो मैजिक सील हमें सिखाई गई है जो कि रिचुअल में इंटरप्ट करती है वो ज़िकी की है तो वैली उसके पीछे पड़ जाएंगे। मिस्टर वेज फिर इसे कहते हैं कि मैं पॉप्स को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ कि आखिरकार वो कहाँ पे है। तभी यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि इसे कहता है कि आप एजेंट लुविला हो ना। ये कहती है कि हाँ, आखिरकार आप कौन है। ये कहता है कि मेरा नाम ग्रीन ज़ेंडार्ड है। लोविया फिर इसे कहते कि तुम इलाइट ग्रिल के नाइट हो जो कि हमारे यहाँ पे मदद करने के लिए आने वाली थी। ये कहता है ये काफी इज्जत वाली बात है कि मैं आपको वॉलंटियर कर पा रहा हूँ। लोविलिया फिर से कहती कि आखिरकार आपको मेरे बारे में पता क्या है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। ये कहता है कि नहीं, मैंने आपके बारे में दूसरे से सुना है। मैंने आपसे मिलने की काफी कोशिश की पर आप काफी अनवेल फील कर रहे थे, इसी वजह से मैं आपसे कभी मिल नहीं पाया। मुझे पता ये थोड़ा रूड हो सकता है पर क्या किसी चीज के बारे में आप चिंता कर रही है? आप चाहो तो आपकी चिंताओं को मैं सुन सकता हूँ। ये कहती है कि नहीं, आपका शुक्रिया, मैं थोड़ी बहुत थकी हुई हूँ इसी वजह से मैं थोड़ी चिंता में लग रही हूँ। ये कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप जाके रेस्ट कर सकते हो। पर इसके जाने के बाद ज़ेनार्ड सोचता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज जरूर हुआ। वहीं पे हमें माइन सिटी सियोल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हंस और ज़िकी को, जहाँ पे हंस की ये ट्रेनिंग करवा रहा होता है। ज़िकी इसे कहता है कि सचमुच तुम धीरे धीरे ताकतवर बनते जा रहे हो, तुमने एक बड़े ट्रोल को मार दिया। ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी इन्हें कुछ आवाज आती है जो कि यहाँ पे हेल्प मांग रहा होता है और ये एक लड़का होता है जिसके पीछे गोब्लिन पड़े होते हैं, वो यहाँ से भाग रहा होता है। पर तभी यहाँ पे ज़िकी अपनी ताकत का यूज करके उन्हें मार गिराता है। ये इसकी जान बचाने के लिए इनका शुक्रिया करता है पर यहाँ पे ऐसे से पूछता है कि आखिरकार गोब्लिन तुम्हारे पीछे क्यों कर रहे थे। ये कहता है कि दरअसल मैं एक एक्सप्लोरर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये देखिए एक्सप्लोरर की ट्रेनिंग। ये कहता है कि हाँ, अभी मैं माइनर हूँ और मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक्सप्लोरर बनूं, अभी मैं ट्रेनिंग के बीच में हूँ। तभी एक आदमी कहता है कि आखिरकार तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, तुरंत यहाँ पे आओ, क्या तुम एक गॉब्लिन को भी नहीं मार सकते, आखिरकार तुम किस काम के हो। ये लड़का फिर इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे जाना पड़ेगा, पर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूं। इस लड़के का नाम सुनोज होता है। ज़िकी फिर इसे अपना नाम बताता है और ये लड़का यहाँ से चले जाता है। पर यहाँ पे हंस कहता है कि एक्सप्लोरर टीचर ये क्या होता है। ये कहता है कि ये सब नॉनसेंस छोड़ो और उस बड़े से मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश। हमें फिर यहाँ पे माइंस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ स्नोच अपने टीचर के साथ होता है। इसका टीचर इसे कहता है कि अपने माना का यूज करके चलने की कोशिश करो, पर वो यहाँ पे गिर जाता है। ये कहता है कि आखिरकार तुम कितनी बार गिरोगी दिन में, आज की ट्रेनिंग यहीं पे खत्म होती है। पर ये कहता है कि मुझे और ट्रेन करना है। ये कहता है कि नहीं, अपने घर चले जाओ ताकि तुम आराम कर सको। ये फिर यहाँ पे उठ जाता है और तभी ये देखता है कि इसके पैर के नीचे एक मोल होता है और यहाँ से कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। इसके आखिरी के चार चैप्टर में जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा, होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। इसमें अब तक 20 चैप्टर आए हैं जिनमें एक दिन में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। अगर ये मानवा आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लीज गाइस इस मानवा को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि इसकी रीच बढ़ सके। और उसी के साथ गाइस एक और चीज, बेल आइकन दबाना ना भूलना सब्सक्राइब करके, क्योंकि अगर वो आप दबाते हो तो आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियोस मिलते रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।